हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है बाय बैक ऑफ शेयर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, एडवांस अकाउंटिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाय बैक ऑफ शेयर। तो आज ये टॉपिक हम आज के लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड कोशिश करूंगी कि 2 से 3 लेक्चर्स में ये पूरा टॉपिक फिनिश हो जाए। वैसे ऐसा कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो ये टॉपिक हम आज के लेक्चर से शुरू कर रहे हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो टॉपिक है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो बाय बैक ऑफ शेयर एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, ये जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले मीनिंग, क्या मतलब होता है ये जो बाय बैक ऑफ शेयर है इसका क्या मतलब है, सोर्सेस क्या है बाय बैक के, कंपनी जब बायबैक करती है तो कंपनी कौन कौन से अपने फंड यूज कर सकती है, सोर्सेस क्या है वो समझेंगे, कंडीशन क्या है, कुछ कंडीशंस हैं जो कंपनी को फुलफिल करनी होती है अगर कोई कंपनी बायबैक कर रही है अपने शेयर्स को। फिर इसके बाद एडवांटेज देखेंगे कि बायबैक का फायदा क्या है, कंपनी जो बायबैक करती है शेयर्स को इसका फायदा क्या है। एंड उसके बाद हम करेंगे जर्नल एंट्री। तो मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल सी 7 जर्नल एंट्री होती है बायबैक के केस में, ठीक है। तो वो देखेंगे और उसके बाद करेंगे एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें इस टॉपिक में पढ़नी है, राइट। तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बाय बैक ऑफ शेयर, बाय बैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ठीक है। देखिए यहाँ पे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज भी लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए बायबैक जो है ऐसा नहीं है कि बायबैक केवल इक्विटी शेयर्स का ही होता है, कंपनी प्रेफरेंस शेयर को भी बायबैक कर सकती है या डिबेंचर्स का भी बायबैक होता है। तो इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी वर्ड यूज किया है। तो बायबैक ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बायबैक बताने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं कि अक्टूबर 2002 से पहले इंडिया में बायबैक ऑफ शेयर्स या बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज वॉज बैंड। इंडिया में 2002 से पहले बायबैक नहीं होता था, ठीक है। बट फिर अक्टूबर 2002 में उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इकोनॉमिक पैकेज लेकर के आए एट द 71st एनुअल सेशन ऑफ फिक्की। फिक्की इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की की जो 71st सेशन था, 71st जो सेशन था उसमें इकोनॉमिक पैकेज लेके आए उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे। और उस पैकेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम क्या था, बायबैक, इंट्रोडक्शन ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। तो वो जो इकोनॉमिक पैकेज था उसमें एक आइटम ये भी था कि बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन किया गया था इंडियन कैपिटल मार्केट में, इंडिया में इंट्रोडक्शन किया गया था। वरना उससे पहले यानी अक्टूबर 2002 से पहले इंडिया में बायबैक वॉज बैंड, इंडिया में बायबैक नहीं था। तो इंट्रोड्यूस किया गया अक्टूबर 2002 में बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है, इस सेशन में 71st एनुअल सेशन ऑफ फिक्की में उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो बायबैक ऐसे इंडिया में आया, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे मैम तब से बायबैक कह रही है बट इसका मतलब अभी तक नहीं बताया। तो ये बहुत सिंपल सा टर्म है, बाय मतलब खरीदना, बैक मतलब वापस। तो कंपनी जब मार्केट से अपने शेयर वापस खरीदे, कंपनी है ये, कंपनी है इसको फंड की जरूरत थी तो कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू किए थे, ठीक। अब कंपनी जब अपने शेयर वापस मार्केट से खरीदे, बाय मतलब खरीदना, बैक मतलब वापस, जब कंपनी ओपन मार्केट से अपने शेयर वापस खरीद रही है तो उसी को कहा जाता है बाय बैक, ठीक है, जो 2002 से पहले बैन था इंडिया में। तो बाय बैक क्या है, बाय बैक इनेबल्स द कंपनी टू परचेज देयर ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। तो ये जो बाय बैक का ये जो प्रोविजन है ये कंपनीज को इनेबल करता है कि कंपनी मार्केट से अपने शेयर वापस खरीद सकती है। तो दिस इज बाय बैक ऑफ शेयर, यही है बाय बैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। अब सवाल ये आता है कि सोर्सेस क्या है, कंपनी को बाय बैक करने के लिए फंड की जरूरत है ना, कंपनी ये कंपनी है आपकी, ठीक है। तो कंपनी अगर मार्केट से अपने शेयर वापस खरीद रही है, शेयर होल्डर से शेयर वापस ले रही है, तो कंपनी को उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, फंड देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा। तो सवाल ये आता है कि अब ये फंड आएगा कहां से, ठीक। तो ये जो बायबैक है इसके सोर्सेस क्या है, बेसिकली वो अब हमें समझना है कि बायबैक के सोर्स क्या है। तो कंपनी एक्ट में बताया गया है, कंपनी एक्ट में बताया गया है कि कंपनी परचेज कर सकती है अपने खुद के शेयर या कोई भी दूसरी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी वापस बायबैक कर सकती है
उसके लिए कंपनी जो सोर्सेज यूज कर सकती है वो तीन सोर्सेज हो सकते हैं। अब वो ये तीन सोर्सेज हैं। सबसे पहला सोर्स क्या हो सकता है? कंपनी का फ्री रिजर्व। कंपनी शेयर बायबैक कहां से कर सकती है, कौन से सोर्स यूज कर सकती है? सबसे पहला है फ्री रिजर्व यूज कर सकती है। फ्री रिजर्व क्या होता है? फ्री रिजर्व वो रिजर्व होता है विच आर फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। यानी फ्री रिजर्व वो रिजर्व होता है जो कंपनी के पास अवेलेबल होता है, जिसको कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज करती है, दैट इज कॉल्ड फ्री रिजर्व। तो बायबैक के लिए कंपनी सबसे पहले तो अपने फ्री रिजर्व को यूज कर सकती है। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जानते हैं ना, एसपी अकाउंट। यानी कंपनी जब प्रीमियम पे शेयर को इशू करती है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, कंपनी ने शेयर को 12 रुपए पे इशू अगर किया है, प्रीमियम पे इशू किया है, तो ये जो 2 रुपए का प्रीमियम है ये किसमें जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है। तो इस अकाउंट का जो फंड है ये भी कंपनी बायबैक के लिए यूज कर सकती है। ठीक, तो ये हो गया दूसरा सोर्स। तीसरा सोर्स क्या है? द प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। यानी कंपनी नए शेयर इशू करके या दूसरी कोई सिक्योरिटी इशू करके भी वहां से जो फंड है उस फंड को भी यूज करके बायबैक कर सकती है। ठीक है, तो दीज आर द 3 सोर्सेज ऑफ बायबैक। ये बायबैक के 3 सोर्सेज हैं। पहला क्या है? फ्री रिजर्व। कंपनी फ्री रिजर्व को यूज कर सकती है। दूसरा क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकती है। तीसरा क्या है? कंपनी नए शेयर इशू कर सकती है या दूसरी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। ठीक, तो ये हो गए 3 सोर्सेज। अब एक बात है जिसका ध्यान रखना है, वो क्या बात है कि सपोज करिए कंपनी को इक्विटी शेयर्स बायबैक करने हैं। ठीक है, कंपनी को इक्विटी शेयर्स बायबैक करने हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि इस इक्विटी शेयर को बायबैक करने के लिए कंपनी नए इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करे, ऐसा नहीं होता है। कंपनी को अगर इक्विटी शेयर बायबैक करने हैं तो इसके बदले में कंपनी मार्केट में प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, वहां से जो फंड आए उसको यूज कर सकती है इक्विटी शेयर को बायबैक करने के लिए। ठीक है, तो वही बात यहां पे लिखी है, या कंपनी को अगर डिबेंचर्स को बायबैक करना है तो कंपनी उसके बदले में इक्विटी शेयर मार्केट में इशू कर सकती है। ठीक, तो बायबैक करने के लिए तो वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायबैक ऑफ शेयर ऑफ एनी काइंड इज नॉट अलाउड आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर ऑफ सेम काइंड। यानी उसी तरीके के सेम काइंड के शेयर को इशू करके कंपनी सेम काइंड के शेयर को बायबैक नहीं कर सकती है। यानी इक्विटी शेयर को बायबैक करना है तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर को बायबैक करना है तो कंपनी इक्विटी शेयर को इशू कर सकती है या डिबेंचर को इशू कर सकती है, सेम टाइप के शेयर इशू वापस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात है, थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक, तो ये हो गया सोर्सेज ऑफ बायबैक। आगे हम पढ़ते हैं कंडीशन। जब कंपनी बायबैक करती है, अपने शेयर्स को बायबैक करती है, तो कंपनी को फुलफिल करनी होती है कुछ कंडीशन। कंपनी जो है ना उसको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होती है जो कंपनी एक्ट में बताई गई है, तभी कंपनी बायबैक कर सकती है। तो ये कुछ कंडीशन है जो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि बायबैक इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल। यानी कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें ऑथराइज होना चाहिए, बायबैक इज ऑथराइज्ड बाय द कंपनीज आर्टिकल, कंपनी के आर्टिकल में ऑथराइज होना चाहिए बायबैक। ठीक, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि कितना बायबैक करेगी। ठीक है, कितने परसेंट शेयर कह लीजिए कंपनी बायबैक कर सकती है। तो उसके रिगार्डिंग ये कंडीशन बताई गई है कि द बायबैक इज और लेस देन 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड द फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी अपने टोटल पेड अप कैपिटल का, कंपनी अपने टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का 25% या उससे कम ही बायबैक कर सकती है। तो ये कंडीशन है। ठीक है, ये सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है बेसिकली इस चीज का जवाब है कि कंपनी कितना बायबैक कर सकती है। तो कंपनी अपने टोटल पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का 25% या उससे कम ही बायबैक कर सकती है, उससे ज्यादा बायबैक नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है कि बायबैक के बाद कंपनी का जो डेप्ट और कैपिटल का जो रेशियो है, दिस शुड नॉट बी मोर देन 2:1। वो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आई? एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। थर्ड कंडीशन क्या कह रही है कि बायबैक के बाद जो रेशियो हो डेप्ट का एंड कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का जो रेशियो है, दिस शुड नॉट बी मोर देन 2:1। ये 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2:1 हो या उससे कम हो, ये बायबैक के बाद कंडीशन बननी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया तीसरी कंडीशन। यही चीज देखिए लिखिए, आफ्टर बायबैक जो रेशियो है डेप्ट ओन बाय द कंपनी इज नॉट मोर देन ट्वाइस
द कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, यानी जितना डेप्ट है वो ट्वाइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से आफ्टर बायबैक, बायबैक के बाद। ठीक, तो ये हो गई तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन क्या है कि स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर कंपनी बायबैक करने जा रही है तो इसके रिगार्डिंग कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है, ऑथराइजिंग द बायबैक। बायबैक को ऑथराइज करने के लिए कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग करेगी जिसमें वो बायबैक के रिगार्डिंग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। ठीक है, तो ये चौथी कंडीशन है। तीन कंडीशन और है। अगली कंडीशन क्या है कि जिन शेयर्स का कंपनी बायबैक करती है, जिन शेयर्स का या जिन डिबेंचर का या प्रेफरेंस शेयर का जो कंपनी बायबैक करती है वो शेयर्स क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड अप होने चाहिए। ठीक, तो ये होगी अगली कंडीशन कि शेयर शुड बी फुल्ली पेड अप, जिनका बायबैक करना है वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। अगली कंडीशन क्या है कि कंपनी जो बायबैक करने जा रही है शेयर्स का या सिक्योरिटीज, स्पेसिफाइड कुछ सिक्योरिटीज है उनका बायबैक जो करने जा रही है, और अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड बाय सेबी। सेबी ने जो रेगुलेशन बनाए हैं, जो गाइडलाइन बनाई है, उसके अकॉर्डिंग बायबैक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शेयर देखिए स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है एंड जो सेबी के तहत आता है। ठीक, तो ये हो गई छठी कंडीशन। अब लास्ट कंडीशन देखते हैं। लास्ट कंडीशन क्या है कि एवरी बायबैक शुड बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी जब कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है बायबैक के रिगार्डिंग, तो उसके 12 महीने के अंदर बायबैक का जो पूरा प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थी 7 कंडीशंस। ठीक, और ये जो लास्ट कंडीशन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों कहा गया है कि 12 महीने के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि जब कंपनी बायबैक अनाउंस करती है ना तो शेयर की प्राइसेस में बड़ा वेरिएशन आता है। इवन जब कंपनी, इससे पहले हमने बोनस शेयर पढ़ा था ना, जब कंपनी बोनस शेयर अनाउंस करे, जब कंपनी बायबैक अनाउंस करे, तो कंपनी की शेयर प्राइस में बहुत वेरिएशन आता है, बहुत चेंज आता है। तो इस वेरिएशन का कह लीजिए अननेसेसरी फायदा ना उठाया जाए, तो इसलिए होता है कि ये जो प्रोसेस है ये जल्द से जल्द कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। ये बायबैक ऑफ शेयर की कंडीशंस थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एडवांटेज, जो कंपनी बायबैक कर रही है तो इसका फायदा क्या है, कंपनी क्यों बायबैक कर रही है। ठीक, आपने सोचा कंपनी क्यों बायबैक कर रही है, क्यों अपने शेयर मार्केट से खरीद रही है वापस। ठीक, तो इसके कुछ रीजंस है, कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है। ये 5 इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कंपनी के लिए, इसलिए कंपनी मार्केट से अपने शेयर वापस खरीदती है। ठीक, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रीजन है, जो इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, रीजन नहीं कहेंगे एडवांटेज, जो कंपनी को फायदा है वो ये है कि कंपनी के पास सपोज करिए फ्री रिजर्व है। ठीक है, कंपनी का जो रिजर्व है उसमें अच्छा खासा अमाउंट कलेक्ट हो गया है, कंपनी अच्छी पोजिशन में, कंपनी हर साल प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो कंपनी के रिजर्व में फंड है। ठीक, तो कंपनी कैन यूटिलाइज दिस फ्री रिजर्व, कंपनी इस फ्री रिजर्व को यूटिलाइज कर पाती है कैसे, बायबैक करके। देखिए, कंपनी के पास अगर फ्री रिजर्व है, कंपनी के रिजर्व में अच्छा खासा अमाउंट कलेक्ट है, तो कंपनी क्या क्या कर सकती है, कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकती है, ठीक है, जो देती है, या कंपनी बोनस शेयर इशू करती है। ठीक है, या कंपनी के पास एक और ऑप्शन है कि कंपनी बायबैक कर सकती है। ठीक, तो जब कंपनी के पास फ्री रिजर्व होता है तो कंपनी इस फ्री रिजर्व को यूटिलाइज कर सकती है अपने शेयर्स या जो दूसरी सिक्योरिटीज हैं उनको बायबैक प्रोसेस के थ्रू वापस खरीद करके इस रिजर्व को यूटिलाइज कर सकती है। तो ये हो गया इसका पहला एडवांटेज। अगला एडवांटेज क्या है, अगला एडवांटेज बायबैक का ये है कि बायबैक के थ्रू क्या हो रहा है। देखिए, पहले एग्जांपल लेते हैं। पहले मार्केट में कंपनी के 100,000 शेयर मार्केट में फ्लोटेड थे। कंपनी ने अगर 10,000 शेयर बायबैक कर लिए, ठीक है, 100,000 शेयर मार्केट में फ्लोटेड थे, कंपनी ने अगर 10,000 शेयर मार्केट से बायबैक कर लिए, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जो शेयर कैपिटल है उसको रिड्यूस कर दिया। तो कुछ कंपनीज का क्या होता है कि अननेसेसरी कभी कभार शेयर कैपिटल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक, तो बायबैक एक प्रोसेस है जिसके तहत कंपनी क्या है, मार्केट में अपने कह लीजिए आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर कम कर सकती है, यानी जितने नंबर ऑफ शेयर मार्केट में फ्लोटेड थे कंपनी के, उसे कंपनी कम कर सकती है। तो बेसिकली कह लीजिए रिड्यूस कर सकती है शेयर कैपिटल। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ट्रिम हो जाता है, वो कम हो जाएगा। ठीक, कैपिटल स्ट्रक्चर तो जानते हैं ना, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, देखिए कैपिटल मतलब पूंजी, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा। तो कंपनी का जो पूरा कैपिटल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब उसमें कितना डेप्ट है, कितना इक्विटी है, इसी को कहा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स ऑफ द डेप्ट एंड इक्विटी ऑफ द कंपनी। कंपनी का
कंपनी का जो पूरा डेब्ट और इक्विटी का जो मिक्स है ना उसी को कहा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे शायद ऐसा भी हो सकता है कि 50% डेब्ट है 50% इक्विटी है कंपनी के पास, ठीक, या ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जो है 60% डेब्ट है 40% इक्विटी है। तो बेसिकली ये क्या है, ये डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर से कंपनी के, कैपिटल मतलब पूंजी यानी पूरी पूंजी का ढांचा क्या है, कितना डेब्ट है कितना इक्विटी है, तो उसी को कहा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बायबैक के थ्रू कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को भी ट्रिम कर सकती है, चेंज कर सकती है, ठीक। तो ये हो गया दो एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज क्या है कि कंपनी कैन इंप्रूव इट्स अर्निंग पर शेयर। बायबैक के थ्रू कंपनी जो है अपने शेयर्स की अर्निंग पर शेयर जो है इसको इंप्रूव कर सकती है, प्राइस अर्निंग रेशियो को इंप्रूव कर सकती है, ठीक है, बायबैक के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कैसे इंप्रूव कर सकती है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा अर्निंग पर शेयर जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है नेट इनकम ऑफ कंपनी, कंपनी की नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, यानी मार्केट में कितने शेयर आउटस्टैंडिंग है। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते थे, नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो जब बायबैक कंपनी करेगी, कंपनी मार्केट से अपने शेयर वापस खरीदेगी, तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर रिड्यूस हो जाएंगे मार्केट में, नंबर ऑफ शेयर रिड्यूस हो जाएंगे ना मार्केट में, ठीक है। पहले अगर 100,000 शेयर मार्केट में फ्लोटेड थे, बायबैक करेगी तो शेयर कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर 10,000 शेयर बायबैक कर लिए तो अब मार्केट में 90,000 शेयर हो जाएंगे। तो अगर 90,000 शेयर होंगे, नंबर ऑफ शेयर कम हो गए, अगर डिनोमिनेटर कम हो गया तो पूरा ये टर्म क्या हो गया, बढ़ गया, वो बढ़ गया, तो यानी ईपीएस बढ़ गया। तो इस तरीके से बायबैक जो है हेल्प करता है टू इंप्रूव द ईपीएस, अर्निंग पर शेयर एंड अल्टीमेटली प्राइस अर्निंग रेशियो इंप्रूव करता है, ठीक। अगला जो एडवांटेज है बायबैक का वो ये है कि बायबैक एनहांसेस द डिविडेंड यील्ड ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है उसको इंप्रूव करता है, उसको एनहांस करता है। कैसे, देखिए अब बायबैक के बाद क्या है, कंपनी का कैपिटल बेस रिड्यूस हो जाता है। बायबैक अगर कंपनी कर रही है तो जहां पहले कंपनी के 100,000 शेयर मार्केट में फ्लोटेड थे, अब केवल 90,000 शेयर मार्केट में फ्लोटेड होंगे ना, तो इससे क्या है, कंपनी का कैपिटल बेस कम हो गया। तो अब कंपनी को क्या करना है, कम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को एड्रेस करना है, ठीक है, कम नंबर ऑफ शेयर होल्डर को सर्व करना है, सर्व करना कह लीजिए, कम नंबर ऑफ, लेस नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को सर्व करना है। तो इससे क्या होगा, जो शेयर होल्डर है उनकी, उनका क्या होगा, हर शेयर होल्डर की जो डिविडेंड है वो डिविडेंड बढ़ जाएगा उनका, तो बेसिकली डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चौथा एडवांटेज हुआ। पांचवा एडवांटेज क्या है कि देखिए बायबैक, कोई भी कंपनी बायबैक तभी करेगी जब उसके पास फंड होगा, करेगी ना, और इवन अलाउ भी तभी है। बायबैक ऑफ शेयर इज अलाउड ओनली इफ द लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ द कंपनी इज गुड, अगर कंपनी की लिक्विडिटी पोजिशन बढ़िया है, ठीक है, फंड है कंपनी के पास, तभी कंपनी बायबैक कर सकती है, ठीक। तो अगर कोई एक्स कंपनी बायबैक करने जा रही है तो यानी ये अंडरस्टूड है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजिशन बहुत बढ़िया है, और कंपनी की लिक्विडिटी पोजिशन कब बढ़िया होगी, जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, रिजर्व्स अच्छे हैं उसके, तभी उसकी लिक्विडिटी पोजिशन अच्छी है और तभी कंपनी बायबैक कर रही है। तो ये एक तरीके का अच्छा चेक है, अगर आपको कंपनी के बारे में जानना है, ये अच्छा चेक है कि कंपनी की पोजिशन कैसी है। तो कंपनी अगर बायबैक कर रही है तो कंपनी की मतलब साउंड लिक्विडिटी पोजिशन है। तो ये थे पांच एडवांटेज बायबैक के, ठीक, समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना मैं थोड़ा सा अपने फर्स्ट चैनल, मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से, तो एक बार देख लीजिए। मैं बताना चाह रही हूँ कि ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी मार्च 2024 तक, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर करिएगा। इसमें एक सब्जेक्ट और जोड़ लीजिए, SAPM, वो भी अब मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो SAPM कुछ लेक्चर्स बाकी है, इसके कुछ टॉपिक बाकी है, बाकी मेजर टॉपिक सारे मैं SAPM की कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो इसका भी जरूर फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, एंड मेरे चैनल को, मेरा फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल दोनों को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर नोट्स चाहिए तो यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं जर्नल एंट्री इन बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो जर्नल एंट्री का मैं बता दूं, 7 सिंपल सी जर्नल एंट्री आपको करनी है बायबैक के केस में, और ये बहुत सिंपल सी जर्नल एंट्री है। और जो क्वेश्चंस होंगे ना, मैं आपको 7 बेसिक जर्नल एंट्री बता रही हूँ,
ठीक है, फिर जो क्वेश्चन हम करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सातों जर्नल एंट्री क्वेश्चन में करनी ही होगी, वो तो हम जानते हैं ना। केस अगर हुआ, अगर बायबैक के एक्सपेंसेस की बात की गई है तो आप ये एंट्री करेंगे वरना नहीं करेंगे। ठीक है, ये एंट्री तभी होगी जब बायबैक के एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है। ठीक है, एंड बायबैक के लिए कौन सा तरीका यूज किया गया है, क्या इन्वेस्टमेंट बेचे गए हैं, या कंपनी ने न्यू शेयर इशू किया है, या कंपनी ने रिजर्व के फंड को ट्रांसफर किया है, तो कौन सा तरीका यूज किया गया है, उसके बेसिस पे आप इन सात जर्नल एंट्रीज में कुछ एंट्रीज करेंगे। ठीक, तो बेसिक आपको ये सात जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना, ये लेक्चर ऑलरेडी लेंथी हो गया है, ये जो सात बेसिक जर्नल एंट्री है ना, इसको मैं अगले लेक्चर में बताती हूँ। ठीक, आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर में मैं ये सेवन जो बेसिक जर्नल एंट्री है ये डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हमें करना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। जितना पढ़ाया है उतना पढ़ लीजिएगा, फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम करेंगे जर्नल एंट्री। राइट, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।